आप लोग के बीच शब्द का एक भेद अव्यय, जिसे अविकारी भी कहा जाता है, उसी के बारे में बता दूँ। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय, ये शब्द के पांच गुण होते हैं, परंतु संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इसे कहा जाता है विकारी, और इसे कहा जाता है अविकारी, इसे कहा जाता है अव्यय, जिसके रूप किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन पुरुष काल में परिवर्तित नहीं होते हैं, वह कहलाता है अव्यय, और इसे कहा जाता है अविकारी, क्योंकि इसके इसमें इस शब्द के परिवर्तन होते ही नहीं है, इसीलिए यह कहलाता है अविकारी। अब देखिए, अव्यय शब्द के भी चार भेद होते हैं। जब अव्यय का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तब कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिससे अव्यय के परिवर्तित नहीं होने का हमें संकेत मिलता है, तो उन्हें हम चार भाग में बांटते हैं। सबसे पहला हुआ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे अविकारी शब्द है, या क्रिया विशेषण उस शब्द का भेद है जो क्रिया की विशेषता को बताता है। जहाँ वाक्य में क्रिया की विशेषता बताने के लिए वे शब्द आते हैं जिसके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। फिर से सुन लीजिए, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं, उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। इसके उदाहरण में क्रिया है पढ़ा रहे हैं, क्रिया है पढ़ा रहे हैं, मूल क्रिया है पढ़ा रहे हैं सहायक के लिए, परंतु क्रिया की विशेषता बताने के लिए जो शब्द आया है, यह शब्द है अविकारी, जिसे कहा जाता है अव्यय। यहाँ इस वाक्य में इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण, क्योंकि ये शब्द यहाँ क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए आते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो, उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण अव्यय, क्योंकि धीरे धीरे जो शब्द है इसके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, यह एक ही रूप में है होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है अविकारी, इसे कहा जाता है अव्यय। और यहाँ अव्यय का एक भेद है क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया की विशेषता इसी शब्द से प्रकट होती है, इसीलिए इसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। दूसरे इसके भेद हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहा जाता है? जहाँ वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ बताया जाता हो, वैसे शब्दों से जो शब्द जिस शब्द के रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, वे शब्द कहलाते हैं संबंध बोधक। वाक्य में जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या दूसरे संज्ञा सर्वनाम के साथ बताया जाता हो, परंतु वैसे शब्द जिसके भी परिवर्तित नहीं होते हों, वह कहा जाता है संबंध बोधक। जैसे वाक्य में रमेश संज्ञा है, मेरे सर्वनाम है,
परंतु इन दोनों शब्दों का संबंध के पास से बताया जा रहा है। दोनों में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, लेकिन एक शब्द एक संज्ञा का संबंध दूसरे वाक्य में दूसरे सर्वनाम के साथ इसलिए प्रकट हो रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं। तो के पास जो शब्द है वह है अविकारी, उसे अव्यय कहा जाता है और इसका एक भेद है संबंध बोधक, क्योंकि दोनों के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए जो शब्द आया है वह के पास है और के पास ही कहलाता है इसमें संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि इसी शब्द से दोनों के बीच में संबंध स्थापित है ये पता चलता है, इसीलिए यह शब्द कहलाया संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक वाक्य में जहाँ दो उपवाक्य आते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य, वाक्य में जहाँ दो उपवाक्य आते हैं तो दोनों के मध्य जो योजक शब्द होता है वह कहलाता है अविकारी अव्यय और वह कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे मैं कल विद्यालय नहीं आऊँगा क्योंकि मेरी माँ बीमार है। में दो उपवाक्य हैं, संयुक्त वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और दोनों उपवाक्यों के मध्य जो शब्द दोनों को जोड़ते हैं उसे कहा जाता है योजक और वही यहाँ कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय इसलिए कि दोनों के बीच में दोनों वाक्यों के मध्य जोड़ने के लिए यही शब्द आया है और यह शब्द कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि यह उपवाक्य और ये उपवाक्य को जोड़ने का काम ये क्योंकि से किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि शब्द कहलाता है समुच्चय बोधक अव्यय और अव्यय इसलिए क्योंकि इसके रूप किसी भी परिस्थिति में लिंग वचन पुरुष काल किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। विस्मय आदि बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय भी कहा जाता है। विस्मय विस्मय वह शब्द कहलाता है जिससे हर्ष शोक घृणा विषाद दुख कष्ट आश्चर्य खुशी का भाव प्रकट हो उसे कहा जाता है विस्मय आदि बोधक अव्यय। वाक्य में जहाँ ये सारे शब्द आते हैं वह कहलाता है विस्मय आदि बोधक अव्यय, क्योंकि इसके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण अचानक किसी प्रकार की घटना घट जाती है, दुख अचानक मुख से निकल जाता है, दुख की घटना आश्चर्य की घटना शोक की घटना घृणा की घटना किसी प्रकार की जब घटना अचानक एकाएक होती है तो अचानक मुख से जो शब्द निकलते हैं उसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। चाहे दुख का हो हर्ष का हो घृणा का हो विषाद का हो कष्ट का हो आश्चर्य का हो
और इस वाक्य को कहा जाता है विश्ववादी विश्वव्यापी बोधक वाक्य, लेकिन जो इसमें शब्द आते हैं उसे कहा जाता है विश्वव्यापी बोधक, क्योंकि इसके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं, इसीलिए यह अव्यय कहलाता है, इसीलिए यह अव्यकारी कहलाता है। लेकिन एक बात और कहती, सबसे अविकारी का सबसे पहला भेद मैंने बताया था, क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं। जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं तो चार प्रकार से उसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक, घटना घट तो रही है, क्रिया हो तो रही है, रीति का मतलब ढंग से, किस ढंग से क्रिया हो रही है, जैसे वर्षा तेजी से हो रही है, वर्षा होने की क्रिया हो रही है, उसकी विशेषता भी हो रही है, उसकी विशेषता भी बताई जा रही है तेजी से, जो तेजी से जो शब्द हुआ वह कहलाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता हो रही है, किस प्रकार से, किस ढंग से, किस तरह से, उसे कहा जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, काल का मतलब होता है काल के दो, काल का मतलब मृत्यु भी होता है, लेकिन यहाँ काल का मतलब से समय, किस समय क्रिया हो रही है, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने की क्रिया एक विशेषता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मैं कल पटना जाऊँगा, तो जाऊँगा क्रिया होगी, लेकिन उस क्रिया की विशेषता है कि कब, कल, यानी जहाँ समय की बात होती हो उसे कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता तो हो रही है लेकिन कब, आज, कल, परसों, जहाँ काल शब्द आता हो, समय शब्द आता हो, समय की बात आती हो, उसे कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि जब समय के आधार पर क्रिया की विशेषता बताई जाती हो तो उसे कहा जाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया तो की जाती है लेकिन स्थान, तुम यहीं बैठो, बैठो लेकिन नहीं, तुम वहां बैठो, क्रिया की जाती है लेकिन उसकी विशेषता है स्थान, किस स्थान पर क्रिया की जाती है, विशेषता स्थान के माध्यम से क्रिया की विशेषता स्थान के आधार पर बताई जाती हो उसे कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषता। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और मात्रा के आधार पर क्रिया की जाती हो, लेकिन जब मात्रा के आधार पर बताई जाती हो, परिमाण के आधार पर बताई जाती हो, वह बहुत रो रहा था, वह बहुत रो रहा था, बहुत शब्द रोने की विशेषता प्रकट करता है, क्रिया हो रही है लेकिन उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत रो रहा था, इसलिए परिमाणवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ये क्रिया विशेषण के भेद हुए। क्रिया विशेषण संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विश्वयादि बोधक, क्रियाव्य के भेद हुए, और ये सारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम, आप सबको देता हूँ अशेष धन्यवाद।